नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार के आवास में हुए हमले की शनिवार को कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर शनिवार को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों में से एक शरद पवार के आवास पे हुए हमले की निंदा करती हूं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान का स्वागत करती हूं। स्कूल फीस को लेकर प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गत गुरुवार से बंद किए गए महानगर के 3 प्रख्यात स्कूल सोमवार से पुनः खोल दिए जाएंगे। इनमें जीडी बिरला स्कूल, अशोका हॉल गर्ल्स व महादेवी बिरला शिशु विहार स्कूल शामिल है। झालदा मामले में SDPO सुब्रत देव को तलब किया CBI ने की पूछताछ। मालूम हो कि झालदा में कांग्रेस पार्षद तपन कांडू की हत्या कर दी गई थी, जिसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी हाईकोर्ट ने CBI को दी है। मंत्री फराज हकीम ने कहा, तृणमूल का कोई भी मंत्री अन्याय नहीं करता। SSC मामले पे कुरान के बयान पे दी प्रतिक्रिया, कहा वो मंत्रिमंडल में नहीं है, इस तरह का आरोप थोपना गलत। एक नज़र जिलों से जुड़ी खबरों पर। दक्षिण 24 परगना जिले के मंगराहाट के मुगरपुकुर में गाय खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विवाद के बाद पहले तो अपराधियों ने गोली मारी, फिर दोनों युवकों का गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद आग लगा दी। दोनों ही मृतक सिविल वॉलेंटियर बताए जा रहे हैं। घटना की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। জানে আলম এ একটা অনেকের কাছ থেকে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল দেবো বলে টাকা পয়সা নিয়েছিল। এই দুজন আজকে যারা মার্ডার হয়েছে তারাও এর মধ্যে ছিল। তাদেরকে অনেকদিন ধরে পয়সা দেবো বলে ঘোরাচ্ছিল, আজকে ওরা এসেছিল পয়সা রিকভারি করার জন্য। তখনই এই ঘটনাটা ঘটে। এখনও পর্যন্ত ইনিশিয়ালি এটা জানা যাচ্ছে, অ্যাপারেন্টলি এটাই আমরা পেয়েছি। ইনভেস্টিগেশনে বাকি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। आसनसोल में सांसद अभिषेक बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में किया रोड शो। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, मंत्री मलय घटक व कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। শুধুমাত্র যারা পায়ে হেঁটেছে তারা আর তার পরিবারের সদস্যরা যদি ভোট দেয় 12 তারিখ এমনি বিজেপি ভোকার্তা হয়ে যাবে। যা সংখ্যায় মানুষ আজকে পায়ে পা মিলিয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে। তার কারণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে যেভাবে আসানসোলের মানুষ গর্জে উঠেছে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। कोविशील्ड को वैक्सीन की कीमत घटी, अब 225 रुपए में लगेगी डोज। मालूम हो कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इसकी कीमत घटा दी है। अब निजी कंपनियों में इस दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। धार्मिक खबरों पर एक नज़र। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस साल रामनवमी कल यानी 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। मान्यता है कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की नौमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे ही श्री राम की स्तुति कर सकते हैं। ऐसा करने से श्री राम प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। अपने नए लुक में पोज दे रही थी राखी सावंत, तभी उर्फी जावेद ने कर दी ऐसी हरकत। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।